हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, सभी को हमारी ओर से राम राम। आप सभी का हमारे नए ब्लॉग पर स्वागत है दोस्तों। तो हम आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, सभी व्यूवर्स को। ये भगवान हम सबकी लाइफ में अच्छा करे दोस्तों, करते भी हैं और करते रहें, बस ये है। तो फ्रेंड्स, जो आज का ब्लॉग है हमारा, वो फिलहाल तो घर का रहने वाला है और फिर लास्ट शाम तक पता चलेगा कि ब्लॉग कैसा बनेगा, मालूम नहीं है। कोई फ्रेंड्स, आज कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है आज। तो ब्लॉग का भी आज मालूम नहीं कि कैसा बनेगा, लेकिन चलो जो भी बनेगा हम भगवान जी के ऊपर विश्वास है कि अच्छा बनेगा। और फ्रेंड्स, फिर अब मैं फिलहाल जो अभी है लेटेस्ट में आपको मौसम तो अभी दिखा देता हूँ कि कैसा है, और फिर ब्लॉग का मैं मालूम नहीं है दोस्तों कि आज ब्लॉग हमारा कैसा होगा। जैसा भी होगा अच्छा होगा, मस्त होगा दोस्तों। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर, थोड़ा मौसम में दिखा दो, बाकी ब्लॉग फिर लास्ट में शाम को देखेंगे कैसा बनेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय, मिलते हैं आपसे मौसम के साथ। ओके हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का मौसम बादल बने हुए हैं दोस्तों, बादल गरज रहे हैं इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो बारिश का काफी अच्छा मौसम बना हुआ है दोस्तों इस टाइम यहां पे। बादल आप देख सकते हैं दोस्तों, काले बादल है हिमाचल प्रदेश राजगढ़ में दोस्तों। कभी भी बारिश आ सकती है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये हमारे पहाड़ हिमाचल के दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके ओके, आपने देख लिया होगा मौसम, बाद में मिलते हैं दोस्तों आपको। ओके बाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस टाइम मैं यहाँ, हमारा ज्वाला माता का मंदिर है दोस्तों, हमारे पड़ोस में ही है, तो नज़दीक है दोस्तों। पहले हम यहाँ तक आए थे घूमते हुए, तो अब अंधेरा भी हो चुका है फ्रेंड्स। फिर मैं थोड़ी सी ट्राई करता हूँ कि दिखेगा तो ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर क्या करें, मैं आपको थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, और हमारे यहाँ के गाँव के भाई लोग भी हैं, काम भी यहाँ पर चला है दोस्तों, तो इनसे भी आपको मिलाते हैं और बात करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, ये हमारे ज्वाला माता का मंदिर है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है दोस्तों, मैं इसको फिर बाद में आपको दिखाऊंगा दोस्तों ढंग से, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा इसकी वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगा दोस्तों। और ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा मंदिर है दोस्तों। और फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे गाँव के भाई दोस्तों काम भी कर रहे हैं अभी, और छुट्टी का टाइम है दोस्तों इस टाइम। यहाँ आग जला रखी है इन्होंने, और इधर क्या नाम है भाई तेरा, अभय इधर हो यार, अनीश है दोस्तों ये, और ये हमारे मिस्त्री हैं दोस्तों, ये हमारे मिस्त्री हैं दोस्तों। नाम क्या अपना? कुमारशन है जी। कुमारशन दोस्तों, हाँ भाई, तो कुमारशन आप बताओ कि भाई कैसा रहा यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? यहाँ तो बहुत आनंद है काम करने का। अच्छा, हाँ जी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? दिन यहाँ पर 5-6 दिन हो गए जी। 5-6 दिन हो गए दोस्तों। अच्छा, और कुछ कैसे मजे लिए आपने यहाँ? बस मजा तो यहाँ क्या लेने जी, मंदिर का काम है। अच्छा, बस ईमानदारी से करते रह रहे हैं। अच्छा, काम बढ़िया होना चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है बोस। तो फ्रेंड्स, इधर हमारे संजीव कुमार जी है दोस्तों ये। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे संजीव कुमार जी है दोस्तों, और ये काम करवा रहे हैं यहाँ पे। तो संजीव कुमार जी, आप थोड़े अपने विचार रखें। ये थोड़ा BDC का फंड था जो हमने यहाँ सेंक्शन कराया था मंदिर के लिए। अच्छा जी, तो थोड़ा अंधेरा पड़ गया है, थोड़ा काम रह गया है, बाकी 1-2 दिन में फारिक हो जाएगा। अच्छा, बाकी हमने 1-2 काम अपने गांव के लिए और भी लाए हैं। अच्छा, थोड़ा हमारा जागू जो हमारा मंदिर भाटका है परे, अच्छा, वहाँ पे भी हमने सार्वजनिक आंगन लाया है। अच्छा, और एक सार्वजनिक शौचालय भी है। अच्छा, उसका काम भी हम जल्दी करने वाले हैं। अच्छा,
तो फ्रेंड्स ये हमारे संजीव जी हैं दोस्तों, ये भी अपने गांव के लिए, इनकी वाइफ जो है वो बीडीसी मेंबर्स हैं दोस्तों, तो ये भी काफ़ी मतलब कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने गांव के लिए, तो हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं दोस्तों। तो और कुछ संजीव जी आप और कुछ बताना चाहें? बस जी माता रानी की कृपा रहनी चाहिए बस। सही बात है, सही बात है। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, फिर अंधेरा भी हो गया है, अब फिर भी थोड़ा बहुत वैसे ही देख लेते हैं व्यू आगे दिखता तो ठीक है, नहीं तो फिर घर चलते हैं। आओ फ्रेंड्स आओ, कोई रहा तो नहीं और बंदा? और यहाँ हमारे भाई बैठे हैं दोस्तों, एक छोटे भाई रितेश भाई हैं दोस्तों। तो हाँ भाई रितेश, आप कुछ बोलना चाहें करें? अच्छा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बंदे हमारे मजे लेते हुए, यहाँ आराम से मंदिर है दोस्तों, और मंदिर के पास काम खत्म होता हुआ और आग का आनंद ले रहे हैं दोस्तों इस टाइम। और थोड़ा सा व्यू में वैसे ही आगे दिखा देता हूँ दोस्तों, अंधेरा तो हो चुका है इस टाइम, पर फिर भी थोड़ा दो तीन मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स हाँ यहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती हुई है दोस्तों, थोड़ा सा अंधेरा होने वाला है, और ये रास्ता शेर को जा रहा है दोस्तों ऊपर को, और इस टाइम दोस्तों थोड़ा सा अंधेरा होने वाला है, अभी आप देख सकते हैं इसे। पता क्या फ्रेंड्स, ये हमारा रास्ता सेल्स गास को जाता हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे प्रेम भाई का घर है दोस्तों यहाँ पे। अगर आप सेल्स गास जा रहे हो तो यहाँ रोड पे हमारे बड़े भाई श्री प्रेम ठाकुर जी का घर है दोस्तों, और ये कैंची से इधर को रास्ता मुड़ता हुआ। ये है दोस्तों शेर को रास्ता जा रहा है इस टाइम, और शेर जगह से रोड फ्रेंड्स। और ये गाय का बच्चा है दोस्तों, एक यहाँ पे नीचा नीचा, ये भी दोस्तों शाम का देख सकते हैं आप दोस्तों कि शाम का व्यू कितना सुंदर है, ये सूर्य अस्त होता हुआ दोस्तों, लालिमा इधर, तो अब नजारा देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत। नमस्कार, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे देखते हैं ऐसी रास्ता रोड तो ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों काफ़ी पुरानी मतलब थोड़ी पुरानी है दोस्तों क्लिप, ये भी एक हमारे पास है मोबाइल में, काफ़ी टाइम से पड़ी है। तो दोस्तों आज ब्लॉग में कुछ खास है भी नहीं, और हम चाहेंगे कि वो क्लिप मैं आज डाउनलोड करता हूँ अपने इस पर डालता हूँ दोस्तों ब्लॉग्स में, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो है वो, अच्छी है, तो इसलिए दोस्तों मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ, तो आप उस वीडियो के मजे लीजिए दोस्तों। क्लिप बहुत अच्छी है और मोटिवेशनल है, और जिंदगी यानी कैसे जिए। ओके फ्रेंड्स, आप मजे लीजिए वीडियो के। ओके ओके, जिंदगी खुलकर जियो, जिंदगी जब तक मौत गली ना लगा ले, छोड़ दो सारे टेंशन, भुला दो उन सभी लोगों को जिन्होंने कभी तुम्हें दर्द दिया। हमें किसी से भी जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सभी के लिए अटूट मात्रा में भगवान ने सब कुछ दे के रखा है। मांग लो किसी से माफी, कर दो सभी को माफ। कहां जाना है इस ईगो और घमंड को लेके? जीवन में वक्त बहुत कम है, तो बिगड़े हुए सारे रिश्तों को संवार लो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसका हिसाब ऊपर वाले को करने दो, आप तो बस फुल ऑन एंजॉय करो। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करके मस्त हो जाओ। अगर दुनिया क्या सोचेगी वो भी तुम ही सोचोगे, तो भाई दुनिया क्या सोचेगी?
थोड़ा उनके लिए भी बचा के रखो। अपने सारे शौक दिल से पूरे करो, भूल जाओ दुनिया को, भुला दो समाज के सारे बंधनों को और भूल जाओ अपनी उम्र को। मैंने 20-20 साल के बूढ़े भी देखे हैं और मैंने 80 साल के जवान भी देखे हैं। दोस्तों से मिलो, बातें करो, नाइट आउट करो, फैमिली के साथ अलग अलग जगहों पे घूमने जाओ, नेचर का मजा उठाओ, लाउड म्यूजिक करके खुल के नाचो। और मैं तो कहती हूँ, जहां मौका मिले वहां नाचो। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, पर इसके बीच में कैसे जीना वो तो हमारे हाथ में है। बस जी भर के जी लो अपनी जिंदगी, दूसरों को तकलीफ ना हो इतना ध्यान रखो, बट थोड़ा सा खुद की मर्जी से भी जीना शुरू करो, क्योंकि दूसरों के दिए गए सर्टिफिकेट पे तो बहुत जी लिए। बहुत मुश्किल से इस इंसान का जन्म मिला है और क्या पता इस जन्म के कर्म देख के भगवान हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे या ना करे। और कुछ नहीं, पर जब इस दुनिया को आप छोड़ के जाए तो एटलीस्ट ये दुनिया वाले ये बोलने चाहिए कि वाह गजब है बंदे ने, क्या जिंदगी जी है। तो इसीलिए मैं कहती हूं, इस जिंदगी से खुल के प्यार करना शुरू कर दो। अरे मरो नहीं तब तक तो जियो, और अपनी जिंदगी को आज ही कह दो लव यू जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज भी आपने ब्लॉग्स के मजे लिए होंगे फ्रेंड्स। तो आज हमने अपना शाम का सारा काम हमने कर लिया है दोस्तों, खाना खा लिया है, ब्रश वगैरह सब कुछ हो चुका है दोस्तों, अब सोने की तैयारी है फ्रेंड्स। तो फिर आपसे हम कल मिलते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और फिर कल मिलते हैं आपसे नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल दोस्तों। ओके बाय, मिल रहे हैं मेरा आपसे कल। ओके बाय।